रोल। किसी भी एग्जाम से पहले तैयारी बेहद ज्यादा जरूरी होती है, आपको तमाम चीजें देखनी होती हैं कि सिलेबस जो है वो कवर हो, और सिलेबस के बाहर के भी अगर सवाल आते हैं तो उनके जवाब भी आपके पास होने चाहिए। ऐसे में हरियाणा की सियासत की परिस्थिति भी, राजनीति जो है वो इसी के इर्द गिर्द मंडराती नजर आ रही है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां सिलेबस की तैयारी कर रही हैं, लेकिन आउट ऑफ द सिलेबस जो सवाल आने हैं उनके जवाब किस तरीके से दिए जाएंगे, जब आप चुनाव प्रचार में होंगे तो उसको लेकर आपकी रणनीति क्या रहेगी, इसको लेकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से खास रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है। कल जो है हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के 7 महत्वपूर्ण चेहरे जो है इनके बीच में तकरीबन 4 से 5 घंटे बैठक हुई है, जिसमें प्रभारी सतीश पूनिया, सह प्रभारी, इसके साथ साथ मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष व महामंत्री जो है बैठक के बीच में शामिल रहे और तैयार किया गया खाका 90 विधानसभाओं की जीत का। जी हां, भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है चुनावी रण में जाने की। राम राम, मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। यूं तो कांग्रेस भी पूरी तरह से जोर आजमाइश कर रही है, मनोबल जो है वो बड़ा हुआ है, क्योंकि लोकसभा में जो नतीजे कांग्रेस ने सोचे थे उसी के अनुसार नतीजे पाने के बाद कांग्रेस पार्टी जो है पूरी तरह से आश्वस्त दिखाई दे रही है कि 90 विधानसभाओं पर सीधी टक्कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दी जाएगी। लेकिन ऐसी परिस्थिति में अब चीजें भारतीय जनता पार्टी के समीकरणों और तमाम रणनीतियों के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही हैं, और इसी को लेकर एक खाका जो है वो तैयार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। भारतीय जनता पार्टी की इस महत्वपूर्ण बैठक में कई चीजें डिस्कशन में आई हैं, जिसमें कि प्रदेश अध्यक्ष व मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है वो आने वाले दिनों में पूरा प्रदेश नापते नजर आएंगे, यानी कि 90 की 90 विधानसभाओं में जाकर वोट की अपील और प्रदेश की सरकार की नीतियों के बारे में बखान करते नजर आएंगे। इसी के साथ साथ तमाम विधायकों की भी ड्यूटियां जो है वो तमाम विधानसभाओं में लगाने की बात जो है इस बैठक में सामने निकल कर आई है। ना केवल प्रदेश का नेतृत्व बल्कि केंद्रीय नेतृत्व भी जल्द जो है वो प्रदेश में एक्टिव होता नजर आएगा। इससे पहले भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और कई बड़े चेहरे जो है वो हरियाणा में लोकसभा चुनाव के दौरान जो है वो आपको देखने को मिले थे। विधानसभा रण के लिए गुरुमंत्र जो है अमित शाह पहले ही 2 बार हरियाणा में आकर 20 दिनों के भीतर जो है वो दे चुके हैं। अब ऐसी परिस्थिति में हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का ये कोर ग्रुप जो है वो लगातार मंथन कर रहा है कि कांग्रेस के जो मुद्दे हैं, कांग्रेस जिन मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेर रही है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है, उन मुद्दों की काट क्या निकाली जाए। तो ऐसे में सबसे बड़ा जवाब जो मिला वो यही था कि जनता के बीच में जाकर जनता की बात सुनी जाए, जनता क्या चाहती है इसको समझा जाए, ताकि आउट ऑफ सिलेबस जो सवाल आने हैं उनके जवाब जो है वो दिए जा सके। अब ऐसे में सत्ता पक्ष की रणनीति जो है वो प्रदेश की जनता के बीच में जाकर अपनी नीतियों, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों को रखने की है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में अगर बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस भी जो है वो पूरी तैयारी कर रही है। कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा जो है वो लगातार अलग अलग इलाकों में जा रही है। अब ऐसी परिस्थिति में प्रदेश की अगर बात की जाए तो 2019 में 75 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिया गया था, लेकिन पार्टी 41 सीटों पर सिमटी। अब ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनावों के परिणाम जिस तरीके से आए हैं, पार्टी की ओर से पूरा का पूरा संगठन जो है ऊपरी लेवल पर उसकी तब्दीलियां जो है वो कर तो गई हैं, लेकिन अब फिलहाल ये तमाम नेता भाजपा को जीत दिलवाने के लिए जो रणनीतियां बना रहे हैं, क्या उन्हीं रणनीतियों के तहत जो है, यानी कि उसी सिलेबस के तहत सवाल जो है वो चुनाव में पूछे जाएंगे, या फिर आउट ऑफ द वे जो सवाल पूछे जाएंगे या आउट ऑफ सिलेबस जो सवाल पूछे जाएंगे उनके जवाब दे पाने में बीजेपी क्या सफल रहेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से 90 विधानसभाओं को जीतने के लिए जो खाका तैयार किया गया है उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।